जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम इंटरव्यूज दे रहा है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है और पंजाब पुलिस सामने आकर ये कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का ये इंटरव्यू पंजाब की किसी जेल का नहीं। लॉरेंस को जगह जगह पूछताछ के लिए ले जाया जाता है, ये वहां कहीं का इंटरव्यू होगा। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मामले में बिश्नोई गैंग का नाम ही सामने आया था और लॉरेंस बिश्नोई इस गैंग के सरगना है। सिद्धू मूसेवाला की जान ले लेने के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई ने एक ऐसा दावा किया है जो बॉलीवुड प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ा झटका है। लॉरेंस बिश्नोई ने कह दिया है कि अब सलमान खान को मारना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। रिपोर्टर ने जब लॉरेंस बिश्नोई से सवाल किया कि तुम सलमान को क्यों मारना चाहते हो, तो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि जब मैं छोटा था, 4 से 5 साल का था, तब मैंने देखा था कि सलमान खान ने जोधपुर आकर हिरण का शिकार किया था। सलमान ने शिकार किया है या नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मन में सलमान को लेकर तब से गुस्सा है। मैं चाहता हूं कि सलमान खान हमारे समाज से माफी मांगे, क्योंकि तब से लेकर अब तक सलमान ने एक बार भी माफी नहीं मांगी। रिपोर्टर ने बिश्नोई से सवाल किया कि क्या आप बार बार सलमान का नाम पब्लिसिटी पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपकी गैंग का नाम बड़ा हो सके। तो पहले तो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि अगर पब्लिसिटी चाहिए होती तो शाहरुख खान को मारता। बॉलीवुड में और भी बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, सिर्फ सलमान ही नहीं। इसके बाद जब लॉरेंस से पब्लिसिटी पर दोबारा सवाल किया गया तो हंसते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, आप यही समझ लीजिए, बस एक बार सलमान के आसपास से पुलिस हटा दो, हम पुलिस से नहीं लड़ना चाहते। रही बात सलमान की सिक्योरिटी की तो उसको तो हम देख लेंगे। लॉरेंस बिश्नोई ने आगे ये दावा कर दिया कि पिछले 4 से 5 सालों से मैं सलमान को मारने की इच्छा रखता हूँ और अब सलमान की ही बारी है। रिपोर्टर ने गैंगस्टर से अगला सवाल ये किया कि अगर सलमान वीडियो बनाकर माफी मांग ले तो, जिस पर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि एक बार मुंबई पुलिस मुझसे पूछताछ कर रही थी, मैंने मुंबई पुलिस के हाथ सलमान खान को संदेशा भिजवाया था कि वो बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर हमारे समाज के लोगों से माफी मांगे। मुंबई पुलिस ने मेरा मैसेज सलमान तक पहुंचा भी दिया होगा, लेकिन सलमान खान में घमंड इतना हो गया है कि क्या कहूं। बिश्नोई ने कहा कि ट्वीट या वीडियो से बात नहीं बनेगी, बिश्नोई मंदिर जाना होगा और वहां जाकर माफी मांगनी होगी। इसके बाद लॉरेंस से सवाल किया गया कि क्या कभी आपने सलमान से बात करने की कोशिश की, तो गैंगस्टर ने कहा कि जैसे सिद्धू मूसेवाला में घमंड आ गया था वैसे इसमें भी बहुत घमंड है, लेकिन जब रावण नहीं बचा तो ये कैसे बचेगा। हाँ, लेकिन अगर रावण से बड़ा हुआ तो शायद बच जाए। लॉरेंस बिश्नोई बिना किसी डर के हंसते हंसते इंटरव्यूज दे रहा था और ये साफ साफ कह रहा था कि अब हम सलमान को मारेंगे। जी हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं, इसे सिर्फ पब्लिसिटी समझकर नजरअंदाज कर देना गलत होगा। भाई जान, सलमान खान की जिंदगी को वाकई खतरा है। सलमान की जान लेना अब बिश्नोई की जिंदगी का मकसद बन चुका है। बताते चलें कि जब रिपोर्टर ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछा कि ये जो जेल में बैठे बैठे लीला रच लेते हो, ये कैसे करते हो, तो बिश्नोई ने कहा कि जिस दिन मैंने सलमान खान को मार दिया मैं मान लूंगा कि ये मेरी लीला थी। जब तक मैं सलमान को नहीं मारता तब तक तो मैं खुद को गुंडा भी नहीं कहूंगा। सोचिए, पिछले 4 से 5 साल से सलमान खान की जान लेने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि बिश्नोई गैंग पुलिस से नहीं भिड़ना चाहती और सलमान के पास पुलिस सिक्योरिटी है, सिर्फ इस वजह से भाई जान पर हमला नहीं हो पाया। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।